Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله लेकिन अल्लाह के दरबार में सर झुकाने के लिए कोई भी नहीं आए थे। मेरे नबी ने बताए हुए तरीकों को अपनाकर और अमल कर इस दीन को कहां तक पहुंचाऊंगा, आगे देखिए। या मेरे मौला, मेरे मौला।
نظر نہیں آ رہا ہے، آگے جا کے دیکھتا ہوں۔ ہاں میرے بھائیاں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کر میں دین کی دعوت دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی آ ادھر۔ یہ ارے بھائی ادھر ادھر آ۔ کیا ارے بھائی کیا ہونا تیرے کو؟ ہم سب ایک ہی ایمان والے ہیں، اس دنیا کے رشتوں میں سے ہمارا ایمان کا رشتہ بہت بڑا افضل ہے۔ ہاں بھائی ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، بس اس لیے آیا ہوں نماز کی دعوت دے کر آپ کو ساتھ میں لے جانے کے لیے۔ اچھا یہ آ رہے بھائی ادھر ادھر آ۔ اچھا رے بھائی اتنا سب بول رہا ہے نا، نماز پڑھنے سے ہم کو کیا ملے گا بول؟ اے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ چمکائیں گے۔ اور کیا ملے گا بھائی؟ اور ہماری آخرت بنے گی۔ ارے سالے جب سے دماغ کھا رہے دیوانہ ہو گیا رے تو۔ ہاں بھائی میں اللہ کا دیوانہ ہوں۔ ارے تو کیا کام کرتا ہے رے؟ بھائی میں دن بھر بکریاں چراتا ہوں اور دن کا کام کرتا ہوں۔ اے چل ہٹ۔ ارے بھائی یہ کون ہے معلوم؟ گاؤں کا سردار ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ کمپنی کا مالک ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ کمپنی کا مینیجر ہے۔ اور میں کون ہوں معلوم؟ سردار کا بھائی ہوں۔ تو بکریاں چرانے والا اللہ کے سامنے جھکا تھا ہمارے کو؟ چل ہٹ سالا۔ ٹھیک ہے بھائی چلتا ہوں۔ ہاں میں بہت ڈھونڈ رہا تھا ان لوگوں کو، انہوں نے میرے کو مل گئے ہیں۔ پھر سے جا کر دین کی دعوت دوں گا۔ السلام علیکم۔ واہ زبردست برانڈ رہی ہے۔ کون ہے رے وہ سالہ؟ ارے وہ کون ہے کی؟ بھائی وہ امیر صاحب آ گیا ہے۔ السلام علیکم۔ Yeah.
इधर भाई, सुनो चल हट साला। पिला दो पूरा पिला दो, कभी सताता रहता है साला। हाँ भाई भाई छोड़ दो भाई, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो भाई 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 नको भाई, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो भाई भाई भाई, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो भाई। नहीं भाई, भाई आज 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 उठाओ रे इसको, झुकाओ रे पैर के पास साले को। भाई भाई छोड़ दो ना भाई, अल्लाह बड़ा है भाई, छोड़ दो ना भाई भाई, अल्लाह बड़ा भाई भाई, अल्लाह बड़ा है भाई, छोड़ दो भाई। या अल्लाह इन लोगों को माफ फरमा अल्लाह। दबा रहे हो साले को, कभी नहीं छोड़ता हमारे को ये। हटा दे रहे इसको साले को, चोर साला है। चल
அல்லாஹ் உன்னாடும் பதப்போதாம். अमीर साहब को मारी तो खुशियों में आवरे नाचेंगे हम। होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। अरे पकड़ो रे उस लड़की को, बहुत अच्छी है। अब बहुत भारी माल रे, पकड़ो रे उसका। ए क्या हो गया रे तुम्हारे को, क्यों ऐसा कर रहा है रे? कौन है रे समझाए तो, वो मेरी बहन है रे। उस वक्त हम पूरे मिलकर जिना कर रहे थे, तू किया नहीं क्या? अब तेरे बहन को बोल रही, तेरे को गुस्सा आ गया क्या साले? चल हट। ए चल। तू क्या हुआ सरदार? क्या करूं मैं, मेरी सरदारगी चलेगी। क्या करना है, मेरी भी कंपनी सीज हो गई है। ठीक है, ठीक है। भाई मेरा मालिक ने मेरे को कंपनी में से निकाल दिया है, मेरी जिंदगी अब क्यों करके मैं सोच रहा हूँ। भाई हम सबको ऐसे क्यों हो गया है भाई? उस अमीर साहब को सताया है और अल्लाह के तरफ बुलाए तो उस अमीर साहब को ठुकराए हैं, क्या करना है भाई? हमारे में से एक शादी चले गया है, उसको जाकर बोलकर फिर वापस ले आना है। सुनो भाई, हम अमीर साहब को नहीं रुलाए हैं और उसको नहीं मारा है। भाई मेरे को अफसोस हो रहा है कि हम अल्लाह के दीन को सब के मारे हैं। चलो
समीर साहब से मिलकर माफी चाहेंगे। चलो ठीक है, चलो ना, वो समीर साहब से मिलेंगे। समीर साहब से जाकर माफी की इजाजत लेकर आता हूँ। आप सब माफी के लिए तैयार हो जाइए। दीन की दावत देना हमारा काम है, हिदायत देना तेरे खजाने में है अल्लाह। देखो ना, आमिर साहब उधर बैठे हुए हैं। हाँ, आमिर साहब उधर बैठे हुए हैं। हाँ, क्या ये लोग आ चुके हैं? उठो भाई, अल्लाह नहीं पसंद करेगा ये। उठो भाई। हर इंसानों की कामयाबी उसके खैद खाने में है। उसको डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी एक कारखाना बनेगी। आपसे आज तक हमारी गलती बहुत हो चुकी है। आप अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, आप बड़ा दिल कर हमको माफ कर दीजिए। अच्छा अमीर साहब, हमारी माफी अल्लाह के सामने कैसी रहेगी देखिए। भाई माफ़ करना अल्लाह की आदत है, माफ़ी चाहने वालों को बहुत पसंद करता है। भाई सातों आसमान सातों ज़मीन का खालिक और मालिक और हमारे सरदार अल्लाह ही हैं। हमारी मुबारक ज़िंदगी उसके कब्ज़े में ही है, वो सरदार है। हमें खिलाते हैं पिलाते हैं, जिए तो उसी के लिए जीना है, मरेंगे तो उसी के लिए मरना है। रब्बुल आलमीन है। माफी चाहने के लिए अल्लाह के दरबार में आपके सामने आ चुके हैं। बोलो हमें सब, हमारी माफी कैसे रहना है, अल्लाह हमको कैसे माफ करेगा।
आपकी माफ़ी, जैसे भी रहने दो, आपकी खुशी है। अच्छा अमीर साहब, चल देंगे। अंदर चलेंगे। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह का ठुकरा कर कोई अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ नहीं गुजार सकता। सभी अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। हम नमाज नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह को राज़ी करेंगे और रब्चा ही ज़िंदगी गुजारेंगे।